हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। फेस एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा विजिबल करती है, वो चाहे आपकी एजिंग हो, चाहे आपकी इनर ब्यूटी हो, चाहे आप अंदर से खुश हैं, आप अंदर से दुखी हैं, वो सारी चीजें आपके फेस जो है वो किसी ना किसी को बता देते हैं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, मोस्टली 90-99% ऐसे हैं जिनके फेस पे हर चीज दिखाई देती है, वो चाहे आपकी एजिंग हो, वो चाहे आपकी टीन एज हो, वो सब कुछ आपके फेस पे आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एज बढ़ने के साथ हमारी जॉ लाइन पूरी तरह से चली जाती है और हम अपनी एज से थोड़े ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एज बढ़ने के साथ साथ आता है, हमारी गलत लाइफ स्टाइल, हमारा गलत खान पान, तो ये चीज आजकल मोस्टली मैंने 21 से 22 साल की लड़कियों में देखा है, जो बहुत ज्यादा जॉ लाइन आ जाती है, फेस डबल चिन हो जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा एज लगने लगता है। इवन वो 22 की जगह 44 या फिर 32 तक भी लगने लगती हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आज कोई डाइट, कोई ड्रिंक नहीं लेके आई हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया था जो कि आपने सुना होगा, जाटा रोलर या फिर गुआशा। मैंने भी परचेज किया, लेकिन मैंने जब मैं इसको सर्च करना शुरू किया तो 199 से 2000 5000 तक थे। तो पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लें जो स्किन को सूट भी करे और ऐसा ना हो कि 199 का लेके 15 दिन में वो खराब हो जाए। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है एक बार परचेज कर लो जो लाइफ टाइम चलती हैं, अगर आप बहुत केयर से चलाओ। पर्टिकुलर मैंने जिस प्रोडक्ट को खरीदा है, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन एक तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि आप कौन सा खरीदो और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने जो परचेज किया है वो है रास का लग्जरी स्किन केयर। मुझे काफी अच्छा लगा, फिलहाल तो इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी। जिस तरह से मैं तो इसे जो है फ्रीजर में रखती हूँ, जब भी मुझे यूज करना होता है मैं यूज कर लेती हूँ। और पर्टिकुलर मैंने जाडा रोलर नहीं मंगाया है, मैंने यही मंगाया है किस तरह से इसे करना है, ये भी बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एक साइंस है। साइंस तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपने गलत स्टेप्स कर लिए तो कहीं ना कहीं फेस लटक सकता है। अगर आपने अच्छे से किए, डेली बेसिस पे किए, तो आपकी जॉ लाइन भी आएगी और आपका फेस थोड़ा अपलिफ्ट भी होगा, जो एज के साथ साथ आके आके कहीं ना कहीं ढीला होने लगता है। तो आज इसी के कुछ स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ और आप इसको परचेज कर सकते हो। अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है और आई थिंक 11 से 1200 रुपए में, मुझे मतलब रीजनेबल भी लगा और मुझे लगता है कि ये चलेगा अच्छे से। लग्जीरियस प्रोडक्ट है तो चलेगा भी, और कहीं ना कहीं आपको, मुझे यूज करते हुए 1 मंथ हो गया है, तो मुझे लगता है स्किन का एक टेक्चर बहुत अच्छा होता है और अपलिफ्ट होती है स्किन। एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज से होता है, जिससे कि जो हम फेशियल कराने जाते हैं महंगी महंगी, उससे काफी बेनिफिशियल है। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरह से स्टेप्स आपको और कैसे इसे यूज कर। ये मेरा बिल्कुल नेचुरल कैमरा है, किसी तरह का भी कोई फिल्टर नहीं है, और दिस इज माय ओरिजिनल स्किन और दिस इज माय ओरिजिनल जॉ लाइन। पर्टिकुलर पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं डबल चिन आपकी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं जिस ऑयल का यूज करती हूँ, वो करती हूँ जो कुमकुमादिक ग्लो ऑयल है, जो आपके स्किन के टेक्चर को काफी अच्छा करता है, किसी तरह कोई दाग धब्बा नहीं रहता है, और डेली बेसिस पे अगर आप इसे यूज करोगे तो काफी अच्छा है। ये ऑयल मैं डेली रात में फेस बहुत अच्छे से वॉश करना है और डेली आपको कुछ बूंदे डाल के अच्छे से डैब करना है, ताकि अच्छे से एक तरह का सरफेस मिल सके, एक तरह का लिक्विड फॉर्म मिल सके जो आपके स्किन को हार्शनेस ना दे। तो इसे बहुत ही ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से आपको लग पे आपको इसे वॉश करना है, देन फ्रिज में रख। सो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत मैं आपको 20 से करके दिखा रही हूँ और फेस के एक साइड पे ही करके दिखाऊंगी। तो हर स्टेप आपको 5 टाइम करना है और प्रेशर देते हुए ही करना है, और अपलिफ्ट मतलब ऊपर के साइड में करना है, नीचे के साइड में भूल कर भी आप मत करिएगा। इस तरह से आपको 5 स्टेप हर प्रोडक्ट मतलब हर स्टेप के 5 आपको स्टेप करने हैं, और रेडनेस आपको तुरंत ही दिख रही होगी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज हो जाता है और इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से आप डेली बेसिस पे फेशियल कराने जाते हो और सलून में वहाँ पे बोला जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप फेशियल कराइए, तो ये डेली आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा और वहाँ की मांसपेशियाँ वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। इस तरह से प्रेशर देते हुए आपको 5 स्टेप ईच करना है। Thank you.
ऑपोजिट आप फेस में फर्क देख सकते हैं, एक तरफ मोटा है और एक तरफ पतला है। सो गाइस आपने देखा कि काफी ज्यादा इफेक्ट तुरंत मिलता है और एक रेडनेस आती है जो ब्लड सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं दिखाती है कि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हुआ है और उस जगह पे जो हमारी मांसपेशियां सोई थी वो थोड़ी सी जग गई हैं और उसने स्किन पे काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होगी और विद इन 5 मिनट डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। बॉडी मतलब फेस से सूजन जाएगी और डबल चिन भी जाएगी। वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।